तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं ऐसी जगह जो गाइस वो लोकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ का नाम क्या है हरीश भाई बताइए। तो गाइस हम लोग को खुद नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे मूलधारा का पानी कहते हैं। तो मूलधारा का पानी पियेंगे और आपको भी बताएंगे गाइस कैसा है पानी यहाँ का। तो गाइस ये देखो, ये पहाड़ों से निकलता हुआ पानी है गाइस, और यहाँ पे ये पाइप लगा के यहाँ पे स्टोर। गाइस देखो हरीश भाई चल रहा है आगे और मैं हरीश भाई के जस्ट पीछे हूँ। तो गाइस ये देखो वो रास्ता है जहाँ हम चल रहे हैं, और ये हम लोग हैं और हम लोग चल रहे हैं। गाइस ये देखो रास्ता, ये देखो। और गाइस मैं यहाँ पे आ रखा था, मेरे पीछे दुकान है लेकिन वो बंद है। तो हमने सोच रखा था कुछ ले लेते हैं खाने पीने की चीज़ें। तो ये देखो गाइस दुकान बंद है, और ये देखो मैं, ये देखो उसके बाद हरीश भाई वहाँ चल रहा है देखो, और हम भी चलेंगे उसके पीछे पीछे। उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या सीन होंगे आगे गाइस है। और गांव देखो आप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे यहाँ पे 3-4 या 10 तक का घर है। और ये देखो केले के पेड़ भी हैं यहाँ पे, और ये है गाइस असली गांव। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें लोग को। और अभी देखते हैं कि आगे का सीन क्या होगा। अरे सर मुझे लग रहा ना यहीं कहीं से रास्ता होगा यार, पूछते हैं आंटी से, है ना। तो गाइस ये देखो अभी हम लोग ये रास्ते में हैं। लोकेशन देखो आप कितनी प्यारी है, और हमारे जो पीछे है गाइस पूरा जंगल है। और आंटी जी से बात करते हैं अभी। आंटी जी नमस्ते, और कैसे हो आप? ठीक हो? यहाँ पे कोई मतलब मंदिर वंदिर है यहाँ पे? पता लगा था ना। अच्छा हाँ, यहाँ किसने बताया कि आगे साइड को एक यहाँ को ना, ये वहाँ नीचे सीधे जाके ये यहाँ पे खड़े, ये जो छोटा सा है। अच्छा, और आगे कुछ नहीं है? आंटी जी बता रही हैं कि यहाँ से मतलब वही छोटा सा मंदिर है, और हमें बताया गया था ना यहाँ पे आगे कहीं एक मतलब मंदिर वंदिर सा है कोई बड़ा सा का ना, दर्शन वाला। हाँ मतलब काय का मंदिर कहते थे, वहाँ पे शूटिंग भी हुई है कि कहीं सारी चीजें की ना। अच्छा वहाँ का नाम क्या है? अच्छा तो गाइस कॉर्सिक नाम है वहाँ का, तो अभी वहाँ चलना है हमें। और अभी आंटी लोगों ने बताया, थैंक यू आंटी जी आप लोगों ने बताया हमें कहाँ रास्ता कहाँ से सीधा। अच्छा तो गाइस, अच्छा तो वहाँ जाएंगे इसी के साथ। गाइस हम लोग पहुँचे हैं अभी यहाँ पे, और हमें जस्ट 2 मिनट हो रखे हैं, और हम लोग पहुँचे लोकेशन क्या है, भरत मंदिर व्यवसायिक केंद्र है गाइस। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का जो लोकेशन है, बहुत प्यारा है गाइस। और अभी यहाँ पे ना भोजपुरी शूटिंग भी चलने वाली है, तो क्या पता आई होप अगर हमें मौका मिले तो हम वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको। और आप पहले ये लोकेशन देखो कितनी प्यारी है गाइस, ये पुरानी हवेली है गाइस जहाँ पे मतलब ना शूटिंग वूटिंग होती है। एक्साइटेड हूँ कि अगर मुझे देखने का मौका मिले तो गाइस। पहले आप ये लोकेशन देखो आप। तो गाइस मैं अंदर चला रहा हूँ यहाँ से, और हम लोग अंदर आ चुके हैं। और ये देखो गाइस बहुत अच्छा मतलब ना बहुत अच्छा व्यू है ये गाइस, वाव। अरे सर मज़ा आ रहा है। तो गाइस मतलब ना यहाँ पे शूटिंग वूटिंग चलती है यहाँ पे। और तो ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं, और हमें बिल्कुल है बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग इस जगह पे आ रखे हैं। और ये देखो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस लोकेशन के लिए, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है गाइस, पैदल आ रखे हैं इतने दूर। और आप ये लोकेशन देखो, ये देखो गाइस ये लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। हरीश भाई कैसा लग रहा है पहले बताओ आप? अच्छा लग रहा है बहुत। तो गाइस हरीश भाई ने सोचा नहीं था कि अब लोकेशन में आएंगे, और अभी आपको दिखा रहे हैं अच्छे करके अंदर बाहर से। और अभी तक तो यही सीन चल रहा है, और आज शूट भी है यहाँ पे, और तो थोड़ा शूट वूट के बारे में पूछेंगे, और अभी देखते हैं क्या क्या सीन होंगे। तो गाइस अभी ना यहाँ पे तैयारी व्यारी चल रही है सब लोगों की, यहाँ पे अभी सेटअप लग रहा है गाइस। तो अभी सेटअप बैठ अभी ना सारे सामान यहाँ पे रखेगा ये। क्या सीन है गाइस, अभी यहाँ पे अंकल जी मिले हैं। अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, और कैसे हो आप? बढ़िया बहुत अच्छा। और आपकी कौन सी फिल्म मतलब आने वाली है? हमारी अभी आ रही है भूचाल। अच्छा भूचाल जी, दम है तो आ जा, अभी रिलीज पे है। दादू ये जो फिल्म होने वाली है गाइस, ये एक्टर है वो हीरो मेन लीड करने वाले हैं गाइस। और अभी आज कब कब तक चलेगी शूटिंग है? अभी तो एक हफ्ता चलेगा शूटिंग यहाँ। लोकेशन यही है? यहाँ अलग अलग विभिन्न लोकेशनों पे हो रहा है उत्तराखंड में। अच्छा, तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद।
आप, मुझे भी अच्छा लगा कि आप अचानक आए। और सर मैं तो एक्चुअली ना, मैं सर सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग करने आया था और मुझे यहाँ पे जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे भोजपुरी शूटिंग चल रही है तो मैंने बोला जरा सर से मिलते हैं। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा भाई आए हैं और हमारी फिल्म गंगा किनारे परदेसी भोजपुरी की शूटिंग चल रही है। शहबाज खान जी हैं हमारे साथ बैठे हुए, रमेश द्विवेदी जी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, धामा वर्मा जी हैं, तो ये सब लोगों को 100 फिल्मों में देखा होगा आप लोगों। हाँ जी, वैसे मैंने कहीं एक ना एक बार तो देखा ही होगा। झूठ बोल रहा है। नो नो, पहली बार भोजपुरी फिल्म के जो इतने सुपरस्टार कलाकार है गाइज, उनके साथ मिलने का मौका मिला है। तो गाइज इसी के साथ अभी आपको और सीन दिखाने वाले हैं। बाय। यहाँ पे जो हमारे बाकी जो भैया लोग हैं वो लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं। तो दिखाई नहीं रहा है। सॉरी भैया, तो यहाँ पे आपको कैमरा दिखाते हैं गाइज, और कैमरा देखो गाइज, वो गाइज ये असली फिल्म वाला जो वो है गाइज, ये वाला कैमरा ही है, देखो आप बड़ा कैमरा है, बताओ। ये देखो गाइज, इससे ना मतलब फिल्में विल्में बनती है गाइज। ये देखो आप, आपने कई बार देखा होगा। और ये जरा भैया से बात करेंगे हम, ये कौन सा कैमरा है और क्या क्या होता है। तो हटना भैया जरा। तो गाइज ये हमारे भैया जी हैं। भैया जी जरा बताओ कैमरा वैमरे के बारे में, कौन सा कैमरा है ये। नमस्ते प्रणाम सब लोगों को। ये कैमरा रेड ड्रैगन है, इससे बड़ी बड़ी पिक्चर शूट होती है। जो हम लोग शूट कर रहे हैं, इस पिक्चर का नाम है गंगा किनारे परदेसी, बहुत अच्छा मूवी बन रही है, आप लोग देखो और प्यार आशीर्वाद, और चैनल को इनके सब्सक्राइब करो, बहुत से ये सब देखने को मिलेगा और ये दिखाएंगे आपको। अभी एक भैया मिले, भैया एक शायरी सुनाने वाला है, सुनाओ भैया जी। जिनो स्वर्ग लेना मरना ही पहना, मर कोई हर जाए सर कोई हर न मिल जाए, ऐदा नहीं होता, गल्ला करने वाले गल्ला करके रह जाने, काम करके दिखाना पहना। तो उस्ताद जिन्हों भी स्वर्ग लेना है उन्हें तो मरना ही पहना। मजा आया, अब बहुत अच्छी शायरी सुनाई है गाइस। उसके बाद अब यहाँ पे ना तैयारी व्यारी चल रही है, ये ऐसे लगता है इस पे कैमरा चलेगा। तो गाइज आपको वो चीज़ दिखाते हैं, ये भैया है और इसमें पूरा ट्रॉली बनेगा और इसमें पूरा कैमरा चलेगा। और ये देखो गाइज, ये हमारे जो भैया लोग हैं वो ये मेहनत कर रहे हैं गाइज, ये देखो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा यहाँ पे कैमरा चल, सीन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है गाइज। यहाँ पे ना सीन समझाया जा रहा है, तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे सीन समझाया जा रहा है, ये देखो स्क्रिप्ट देखो गाइज। सर है, तो हमारे ये सर डायरेक्टर हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। सर कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये फिल्म का नाम है गंगा किनारे परदेसी। सर ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? ये लिखी है एबी मोहन साहब, और अभी रीराइट कर रहे हैं सूरज द्विवेदी। अच्छा, ये है सूरज द्विवेदी? नहीं नहीं नहीं, सूरज द्विवेदी है उनके साथ डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, तो आप सेकंड डायरेक्टर हो? जी। अच्छा, तो ये अभी शूटिंग कितने बजे तक चलेगी? अभी रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक, आपको पता है रात के 11 बजे तक चलने वाली है। और दिन में? दिन में तो चालू कर दिए हम लोग, सुबह 8 बजे से चालू है हम लोग का शूट। मैंने ना आपकी गाड़ी वाड़ी देख ली थी, किसने बताया कि आज शूटिंग चल रहा, तो मैं ब्लॉगिंग करने आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस देखो वहाँ पे कुछ सेटअप कुछ तैयार हो गया है, और मुझे नहीं पता वो कौन सा सेटअप है और क्या सेटअप है गाइस। ये देखो आप, ये पूरा सेटअप हो रहा है और हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या सेटअप होने वाला है यहाँ पे। और बाकी के जो एक्ट्रेस है गाइज, जो इस फिल्म के लीड हीरो वहाँ पे बैठ रहे हैं। इस मैम के जो असिस्टेंट है उन्होंने मना कर दिया है कि वो हमारे मतलब कैमरा में आना नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, और हमें भी सोचना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि मतलब सेफ्टी के खिलाफ है, तो कोई बात नहीं उन्हें रहने देते हैं। बाकी जो ये सारी टीम है गाइज भोजपुरी की, तो गाइज उन्होंने हमारे साथ पूरा कोलेब्रेशन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। आई होप हमें मैम देख रही हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहती हमारे कैमरे पे, तो कोई बात नहीं। और हरीश भाई वो एक्ट्रेस के ज़्यादा थे इस टाइम पे, क्योंकि गाइज हमने बोला 2 मिनट का हमें इंटरव्यू लेना है, तो उन्हें मना कर दिया, बोला कि आप यहाँ से जाओ, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो गाइज कोई बात नहीं, एक्टर्स हैं, एटीट्यूड तो हो गई। लेकिन जो सर थे, जो इस फिल्म के लीड हीरो थे गाइज, उनने हमसे पर्सनली बात करी है, और हमें बहुत अच्छा लगा। कि जो इसी के साथ गाइज हम लोग अपना व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, और बहुत